मिसबिहेव नहीं करना जब बहन भाई आपको कंट्रोल कर रहा होता है साइन लैंग्वेज के साथ तो समझ जाएं कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है वो नहीं चाहता कि आपकी वैल्यू डाउन हो किसी के भी सामने गंदे हाथों से जब खाना खाएंगे तो जर्म्स तो अंदर जाएंगे पर्सनालिटी ग्रूमिंग क्या होती है हमारे अच्छे मैनर्स हमारी विजुअल अपेरेंस हम दिखते कैसे हैं ठीक है सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है आपका फर्स्ट इंप्रेशन ग्रूमिंग क्या है ग्रूमिंग का पता कैसे चलता है आपके फ़र्स्ट इंप्रेशन से पता चल जाता है किस तरह आप दिखते कैसे आपने कपड़े कैसे पहने हुए हैं विजुअल अपेरेंस कैसे बनती है किसी को पता है ना सबको ही पता है विजुअल अपेरेंस क्या होती है विजुअल अपेरेंस होती है आप देखने में कैसे लगते हैं तो जब हम इंप्रेशन की बात करते हैं ना तो उसका मतलब ये होता है कि हम देखने में किसी को कैसे लगते हैं हम जैसे ही किसी से मुलाकात करते हैं ना तो कोई अपने जहन में हमारे बारे में ना एक प्रॉपर आइडिया बिठा लेता है वो देख लेता है कि आप कौन से स्कूल से हैं आप देखने में पता चल जाता है वो कैसे पता चलता है आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं आप कितने काइंड हैं आप कितने मैनर्स वाले हैं आसान अल्फाज में बात कर रही हूँ ताकि सारे मेरे बच्चों को समझ में आ जाए अच्छा अब मैनर्स बाद में पता चलते हैं आप बोलते कैसे ये सब बाद में पता चलता है लेकिन आप कैसा बोलते होंगे उसका परसेप्शन जो है ना वो देखने वाला सबसे पहले अपने जहन में बना लेता है आपको देखते साथ ना उसके जहन में एक आइडिया आ जाता है कि ये ऐसा होगा और ये सारी चीज़ें पता है किस पे डिपेंड करती हैं आपकी ड्रेसिंग पे आपकी पर्सनालिटी का जो विजुअल अपेरेंस है विजुअल लुक है उस पर सही कह रही हूँ yes. जब भी स्कूल जाते हैं और नए दोस्त बनाने होते हैं तो क्या होता है कि जो बच्चा देखने में हमें सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन और प्यारा और अच्छा लग रहा होता है और हंसी मजाक भी कर रहा होता है और बड़ी प्लेजेंट पर्सनैलिटी होती है तो हम उससे इंस्पायर हो जाते हैं ऐसे ही है तो क्या होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन में सबसे पहले मैटर करती है आपकी लुक जिसको मैं कह रही हूँ विजुअल अपेरेंस तो उस विजुअल अपेरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी ड्रेसिंग के ऊपर काम करना अपनी क्लिनलीनेस के ऊपर काम करना कि आप कितने नीट एंड क्लीन हैं आप कितने हाइजीन की केयर करने वाले हैं ये सब कुछ जो है ना फर्स्ट टाइम देखने से अंदाज़ा हो जाता है और जो लोग मैं आपको एक एक बहुत अच्छी बात बताऊंगी सारे बच्चों को और आपने ना ये इसके ऊपर जो है ना स्टिक हो जाना है इसको जहन में रख लेना है बैठा लेना है कि इंसान अंदर से जैसा होता है ना उसकी पर्सनालिटी वैसे बनना शुरू हो जाती है गलत तो नहीं कह रही मैं जो बच्चे होते हैं ना जो वेल well मैनर्ड नहीं होते उनको देखकर ही पता चल जाता है कि ये बच्चा वेल well मैनर्ड नहीं है ये बड़ों के साथ मिसबिहेव कर रहा है अपने साथ जो क्लासमेट्स uh, हैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा उनको समझा नहीं रहा उनको हर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प नहीं कर रहा ये सारी चीज़ें आपके अंदर होती हैं आपकी पर्सनालिटी के अंदर होती है और एक जो काइंड शख्स होता है ना जो हर एक से प्यार करता है सॉफ्टली बात करता है नीट एंड क्लीन दिखता है अपनी हाइजीन का ख्याल रखता है और अपने सारे दोस्तों की बहुत हेल्प करता है और ये भी ज़रूरी नहीं कि वो उसके दोस्त हों, वो कोई भी हो सकता है आपने अक्सर वो सोशल देखी है बहुत सारी वीडियो सारे बच्चे मेरा ख्याल है इंटरनेट तो यूज़ करते होंगे ना तो इंटरनेट पे आपने देखा जो सोशल एक्सपेरिमेंट्स आ रहे होते हैं उसमें लोग बुज़ुर्गों को रास्ता क्रॉस करवा रहे होते हैं हाथ पकड़ के कोई ना बीना है उसको नज़र नहीं आता उसको हेल्प कर रहे होते हैं और हर बड़े छोटे की हेल्प करने को वो बच्चे तैयार हो जाते हैं उनकी पर्सनालिटी ना एक प्रॉपर काइंड पर्सनालिटी हो जाती है क्योंकि वो अंदर से इतने काइंड होते हैं तो वो दिखना भी शुरू हो जाते हैं तो आप लोगों ने ना जिंदगी भर मेरी एक बात याद रखनी है अगर आप काइंड होंगे ना तो आप दिखना शुरू हो जाएंगे अच्छा मुझे बताओ हाइजीन किसको कहते हैं किसी कौन बच्चा बताएगा हाइजीन क्या होती है चलो अब मैं आसान अल्फाज में बता देती हूँ आप सबने बिल्कुल ठीक कहा है हाइजीन रिलेट करता है दो चीज़ों से एक इंटरनल हाइजीन होती है एक एक्सटर्नल हाइजीन होती है एक्सटर्नल हाइजीन क्या होती है आपसे स्मेल ना आ रही हो आपका फेस गंदा ना हो आप साफ सुथरे हो आपने परफ्यूम लगाया हो ये होती है आपकी एक्सटर्नल हाइजीन इंटरनल हाइजीन क्या होती है आपकी पर्सनल हेल्थ आपने जंक नहीं खाना आपने कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको जर्म्स लगते हैं वो नहीं करने आपने कुछ ऐसा नहीं करना जिसकी वजह से किसी दूसरे को भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये जो है ना हमारी एक्सटर्नल इंटरनल दो तरह की हाइजीन होती है तो जब हम हाइजीन की बात करते हैं तो इट डज़न मीन दैट कि हम सिर्फ एक्सटर्नल की बात करें या हम सिर्फ इंटरनल हाइजीन की बात करें हम ओवरऑल दोनों चीज़ों की बात कर रहे होते हैं क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा कि इंसान की तबीयत जैसी होती है ना उसकी पर्सनैलिटी पर आ जाती कहा था ना मैंने अभी एग्जैक्टली exactly वैसे इंसान जो खाता है ना वो उसके पर्सनालिटी पे आ जाता है जो लोग ज़्यादा जंक खाते हैं उनकी पर्सनालिटी ख़राब हो, हो जाती है रुन हो जाती है क्यों हो जाती है क्योंकि वो इतना जंक खा रहे होते हैं फिर वो बीमार रहना शुरू हो जाते हैं क्योंकि जब आप जंक खाते हैं तो आप बीमार रहते हैं ऑब्वियसली और वो जब बीमार रहते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी उसके एक्सटर्नल लुक के ऊपर आ जाता है तो ये आपकी कनेक्टेड है दोनों चीज़ें तो जब हम बात करेंगे हाइजीन की तो उसमें दोनों चीज़ें आएंगी राइट सो दिस इज़ हाइजीन अब आप ये देखें कि ये मैंने आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दी थी एक सोशल एक्सपेरिमेंट है पीपल विल ट्रीट यू जिसका कि आप दिखेंगे आप अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको आ, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दें बहुत रिस्पेक्ट दें तो एज मैटर नहीं करती अगर आपको लगता है ना कि इज्जत का लेना देना सिर्फ बड़े लोगों से है तो गलत बात है आप ये देखें कि घर में जब जो बच्चा सबसे ज़्यादा वेल ड्रेस और वेल मैनर्ड होता है ना उसको सारे बहुत प्यार कर रहे होते हैं वो दादी का भी फेवरेट होता है वो दादाजी का भी फेवरेट होता है मामा बाबा का भी बड़ा पसंदीदा होता है डांट तो पिटती रहती है थोड़ी बहुत वो तो किसी ना किसी बात पे पिटी जाती है लेकिन वो बच्चा सबका फेवरेट हो जाता है चाची का मामी का हर जगह पॉपुलर हो जाता है और वो अपने फ्रेंड्स में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है ऐसी बात है आप कभी किसी मैसी बच्चे से दोस्ती करेंगे No. नहीं हम कहेंगे जो अपनी केयर नहीं कर सकता वो मेरी केयर क्या करेगा मतलब वो इतना लथार्जक दिखता है या तो अगर वो आपको बहुत पसंद है तो फिर आप उसको बहुत हेल्प करेंगे उसको कहेंगे यार तुम आज इतने बीमार बीमार क्यों दिख रहे हो मतलब वो एक बच्चा होता है ना जो हमेशा नीट एंड क्लीन दिखता है लेकिन कभी कभार वो ऐसे हो जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं कि यार इसको क्या हुआ है उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या है टर्ड्स हर towards towards तो आप उसको कहेंगे कि आज क्या हुआ है लेकिन एक बंदा जो दिखता ही शैबी है जो दिखता ही बहुत मैसी है उसको आप कभी कहेंगे कि तुम्हें क्या हुआ है क्योंकि आप यूज हो जाएंगे आप कहेंगे वो तो है ही ऐसा राइट तो आपने अपने आप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना लाइफ एक बार मिलती है और आप सब अपनी जिंदगी का जवाब दें अल्लाह ताला पूछेंगे कि मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा तो तुमने क्या किया ऐसी ज़िंदगी गुजारी बीमार परेशान क्यों तो आपने अपने दिमाग को पॉजिटिव रखना है हर वक्त अपने आप को पॉजिटिव रखना है और कभी कभार मामा करती है ना कोई चीज़ आपके ऊपर इम्पोज भी कर रही होती है कि तुमने ये नहीं पहनना ये पहनना है तो फिर आप मामा को बहुत सॉफ्टली बताएं कि मेरा इवेंट इस तरह का है और उसमें मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनूंगा मेरे बाकी फ्रेंड्स भी इस तरह के कपड़े पहन रहे हैं अच्छा बड़े मज़े की बात है मुझे एक और बात बतानी है कौन सा बच्चा यहाँ पे जिसके घर में बड़े बहन भाई हैं भाई खास तौर तो पे hmm, आप खड़े हो जाओ क्या नाम है आदिल कभी ऐसा हुआ है घर में कि मामा ने बड़े भाई का सूट रख दिया और ये तो आदिल पहनेगा नहीं।, नहीं हुआ और कभी ऐसा हुआ है कि भाई ने आपको कहा हो कि आज तुम तो मेरा ड्रेस पहन लो बड़ा लूज है तो आपने कभी कहा कि भाई आपका ये ड्रेस बहुत अच्छा है मैं पहन लू वेरी गुड क्लैपिंग होनी चाहिए अभी आदिल के लिए दैट शोज़ के आदिल की मामा इज़ वेरी केयरिंग वो कभी भी ऐसे नहीं करेंगी कहेंगी कि भाई का सूट तुम पहन लो ठीक है अच्छा ये दिस इज द बेसिक रीजन अच्छा जी अगर हम लोग बात करें ना कि व्हाट शुड चिल्ड्रन नो अबाउट पर्सनल ग्रूमिंग एंड हाइजीन तो उसके बारे में जैसा हमने भी बताया कि लोग आपको जज करते हैं सबसे पहले हमने अपने प्रेजेंटेशन का स्टार्ट यहीं से लिया था कि लोग आपको जज कर रहे होते हैं किस तरह आपकी वर्बल कम्युनिकेशन से क्या बोलते कैसे हैं पहले लोगों ने आपको विजुअल अपेयरेंस से जज किया था राइट क्या आप दिखते कैसे हैं अब लोग आपको जज कर रहे हैं कि आप कितने वेल ग्रूम्ड हैं बेस्ड ऑन द वे यू स्पीक आप कैसे बोलते हैं अच्छा मुझे बताएं आ, कोई बच्चा ऐसा है जो आपके साथ बुरे तरीके से बोलता हो और आपको हैरान की हो कि यार ये ऐसे बोल रहा है और आप डिस्टर्ब हो गए हो किसी ने एक्सपीरियंस किया है है ओ माय गॉड देखा भाई को एक्सपीरियंस कर लिया ठीक है भाई सब जज करते हैं एक दूसरे को अगर आप अपने बहन भाइयों के साथ ठीक तरीके से बात नहीं करते तो फिर वो आपको जज करते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रहा है और फिर वो कहते हैं ये तो घूम ड नहीं है इसको तो तमीज ही नहीं है बात करने की समझ रहे हो ना मेरी बात एक और चीज है अगर आप देख रहे हैं कि आपकी बहन किसी के साथ मिसबिहेव कर रही है तो आपने आराम से उसका हैंड प्रेस कर देना है तो वो समझ जाएगी कि भाई मना कर रहे है ऐसे बात नहीं करनी सेम विद यू आप भी ऐसे कर सकते हैं तो तो है, है, हाँ ये चीज अच्छा ये पहले सब एक दूसरे से ना डिस्कस कर लेना चाहिए Same है ना मुझे समझ आ गई है लेकिन समझ जाना चाहिए ना समझ जाना चाहिए कि जब बहन भाई आपको कंट्रोल करने का कह रहे तो आपको प्रेस करेगा ना वो इसलिए हाँ इट्स अ साइन लैंग्वेज तो फिर घर जाके वो आपको कहेगा कि आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था फिर आप घर जाके उसको कहें कि मैं तुम्हारे कहने पे चुप कर गई थी पर तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा था बट मिसबिहेव नहीं करना जब बहन भाई आपको कंट्रोल कर रहा होता है साइन लैंग्वेज के साथ तो समझ आएँ कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है वो नहीं चाहता कि आपकी वैल्यू डाउन हो किसी के भी सामने और फिर वो सिर्फ आपकी वैल्यू डाउन नहीं होगी आपको पता है आपके भाई की भी वैल्यू डाउन होगी आपकी फ़ैमिली की भी वैल्यू डाउन होगी आपके पेरेंट्स की वैल्यू डाउन होगी लोग कहेंगे इसके माँ बाप ने तो इसको इसको तरबियत ही नहीं दी इसको तमीज़ ही नहीं सिखाई कि कैसे बात करें राइट तो आप सबके ऊपर जो है ना डिपेंड करती है आपके घर की रिस्पेक्ट uh, घर वालों की इज़्ज़त इट लो जी अच्छा दूसरा था हमारा ये वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो वर्बल कम्युनिकेशन तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपके अपेरेंट्स है विजुअल अपेरेंस और वर्बल के आप बोलते कैसे बात कैसे करते हैं अच्छा और इसके बाद आ जाती है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में चार अदद चीज़ें आपकी अपेरेंस आपका हाइजीन लेवल आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके एटिकेट्स एंड मैनर्स ठीक है ये आप लोगों ने सबने नोट कर लेना है क्या कर लेना है नोट कर लेना है किस किस बच्चे के पास अपना नोट पैड है शाबाश आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल क्या है जो हम बोलते हैं नॉन वर्बल है आपका पेरेंट्स आपकी हाइजीन लेवल आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके एटिकेट्स एंड मैनर्स ठीक है दैट शोज कि आप कितने ग्रूम्ड हैं ये चारों चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए ठीक है पर्सनल हाइजीन ठीक है इसके ऊपर चलते हैं मैनी कॉमन इन्फेक्शन आर स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ प्रॉपर बिकॉज ऑफ पुअर हाइजीन अब पुअर हाइजीन किस तरह से पैदा हो जाती है इंफेक्शंस फैलने से होती है कैसे जर्म्स एंटर द बॉडी इफ यू ईट विद डर्टी हैंड्स गंदे हाथों से जब खाना खाएंगे तो जर्म्स तो अंदर जाएंगे ऐसे ही है वार्म कैन एंटर द स्किन इफ़ यू वॉक बेयर फोर्ट ऑन डर्टी सॉयल ऑफकोर्स नंगे पाँव जब चलेंगे मिट्टी के ऊपर तो फिर तो आपको जो है वो स्किन के अंदर वॉम्स एंटर हो जाएंगे तो ये भी निशानी है आपके पुअर हाइजीन की जर्म्स आर रिलीज टू द एयर वेन यू कप एंड दिस कैन इन्ेल्ड बाई अदर्स अच्छा अब मैं नोटिस कर रही थी जो जो बच्चे खांसी कर रहे हैं वो अपने मुँह के आगे हाथ रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं ना दैट शोज़ के आप अपने फ्रेंड्स की बहुत केयर करते हैं तो जनाब ये है कि जब आप अपनी खांसी करते हैं या आपको छींक आ जाती है और आप अपने मुँह के आगे हाथ नहीं रखते तो जर्म्स रिलीज होते हैं वो दूसरों को बीमार करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं लेवल ऑफ़ पर्सनल हाइजीन टेल्स अदर अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन यू आर कि मतलब किस किस्म के इंसान है ठीक है ना तो ये बेस करता है कि आपकी जो पर्सनल हाइजीन है जिसकी हमने पहले भी बात की थी पर्सनल हाइजीन से पता चलता है कि आप किस किस्म के इंसान हैं आपकी हाइजीन से आपकी क्लीनलीनेस से अंदाज़ा होता है वैन यू गो टू स्कूल विथ क्लीन क्लोथ्स नीट हेयर तो क्या होगा कि आपके टीचर्स और क्लास जब आपको देखेंगे तो आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन आपने क्रिएट किया होगा ना उससे उनको पता चलेगा कि यार आप तो बहुत सेल्फ डिसिप्लिन किस्म के बंदे हैं या बहुत सेल्फ डिसिप्लिन किस्म की बच्ची हैं तो ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत मैटर करती हैं अब आपको वहां पे जज कौन कर रहा है आपके टीचर्स आपके क्लासमेट्स और आपके फ्रेंड्स क्लासमेट्स ही हुए ना फ्रेंड्स भी और इसके अलावा दूसरी क्लास की टीचर्स भी आपको जज कर रही होती हैं जी बेटा टीचर जो सारे स्टूडेंट्स के ट्रैक्शन उसी बच्चे में जाती है जो सबसे अच्छा वेरी ट्रू वेरी ट्रू क्लैपिंग होनी चाहिए बड़ा अच्छा पॉइंट आपने मुझे याद कराया है असेंबली में अक्सर ये भी होता है कि जो बच्चा सबसे नीट होता है उसको कहते हैं चलो सब बच्चों के नेल्स चेक करो ऐसे ही है ना सबका हेयर स्टाइल चेक करो जी तो क्या हुआ कि प्रोटोकॉल दिया जा रहा है उसको जो नीट एंड क्लीन है जो बड़ा हाइजेनिकली एम्पावर्ड uh, है उसको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है राइट इफ़ यू कवर योर माउथ स्नीजिंग अदर चिल्ड्रेन सी दैट यू गिव इम्पॉर्टेंस टू देयर हेल्थ एज मच एज यू ओन जैसे कि आप आप जिस अभी हमने बात की थी छींक आ रही है या खांसी आ रही है और आपने अपने मुंह पर हाथ रख लिया तो फिर क्या होगा कि जो बाकी बच्चे हैं ना वो आपके बारे में जज करेंगे और वो ये सोचेंगे कि जिससे तरह आपको अपनी केयर है ना उसी तरह आप अपने साथ लोगों की के भी केयर करते हैं ताकि वो बीमार ना हो जाए अब कोरोना में हम लोग यही कह रहे थे पेंडेमिक आपको याद है ना उसमें हम लोग अपनी कितनी केयर कर रहे थे और उसके साथ साथ दूसरों की केयर थी कि अगर आपको खांसी भी आ रही है तो आपने किसी के करीब भी नहीं जाना कितना हम लोग सारे अलग अलग होकर बैठ गए थे ऐसे ही था हाँ वो तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट वो तो हाइजीन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको अपना मास्क किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए ठीक है अच्छा जी इसके बाद गुड ग्रूमिंग मेक्स यू मोर पॉपुलर विद पीयर्स क्या कहा था कि जो बच्चे बहुत ज्यादा ग्रूम्ड होते हैं ना वो अपने पीयर्स में अपने फ्रेंड्स में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं कौन बच्चा जो बड़ा पॉपुलर है ने? माय oh गॉड कितने हैंडसम बच्चे मेरे पास बैठे हुए ज़बरदस्त हो गया अच्छा इसके आगे ना हम लोग ये पढ़ेंगे कि व्हाट स्किल्स शुड चिल्ड्रन लर्न बच्चों को क्या सीखना चाहिए इन ऑर्डर टू इम्प्रूव पर्सनल हाइजीन आप लोगों को क्या क्या मैनर्स सीखने चाहिए हैं पर्सनल हाइजीन के लिए उसका पहली एक्टिविटी हमारी ये थी डर्टी हैंड्स की प्रॉपर हैंड वॉशिंग इट या आप लोगों ने देख लिया इसके मैनर्स सीख लिए नेक्स्ट है आपके डेली बाथिंग कौन बच्चा है जो डेली नहाता नहीं है पहले मुझे यह बताओ ओह माय गॉड सब जैसे खड़ा कर लिए कौन नहीं नहाता बहुत सारे बच्चे है जो नहीं नहाते क्योंकि उन्होंने नहाने पे हाथ खड़ा नहीं किया था अच्छा डेली बाथिंग जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपकी पर्सनल हाइजीन की बात की जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप हाइजीन और क्लीनलीनेस के फोकस नजर आएंगे अगर आप डेली बात नहीं ले रहे तो तो आपने क्या करना है जैसे मैंने आपको बताया कि दिन में दो दफ़ा तो आपने नहाना होता है एक सुबह एक स्कूल से आके या सोने से पहले क्योंकि इससे आपके जर्म्स उतर जाते हैं नींद भी बहुत अच्छी आती है और क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है गॉट इट हाँ अच्छा कीपिंग हेयर क्लीन एंड नीट कौन सा बच्चा है जो अपने बालों की केयर नहीं करता क्या होता है कि सबने हाथ खड़ा कर एकदम से नीचे कह लिया नहीं किए हा बच्चे, 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 बच्चे समझते मैंने कुछ और बोला है अच्छा जी कौन सा बच्चा है जो बालों की केयर नहीं करता ऑयलिंग करते हैं बच्चे कौन सा बच्चा ऑयलिंग करता है ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है जो बच्चे नहीं करते मैं उनको बता रही हूँ हाँ देखा ऑयलिंग करने से आपका जो ब्रेन है ना उसकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी होती है तो आपको ऑयलिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे आपका ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है और आपके बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं स्मूथ हो जाते हैं सिर्फ लड़कियों के लिए ऑयलिंग ज़रूरी नहीं होती लड़कों के लिए भी बहुत जरूरी होती है okay? ओके अच्छा जी आगे है जनाब वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स ये आपकी हाइजीन का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यूज़ है कि आपके क्लोथ्स क्लीन होने चाहिए क्लीन से मुराद क्या है एक एक करके बताएं मुझे समझ नहीं आएगी पहले आप चाहिए आयरन होने चाहिए साफ सुथरे तो हो गए आयरन भी हो गई फटे भी नहीं होने चाहिए बेटा मतलब उसमें दाग लगे नहीं होने चाहिए सीजन के हिसाब से क्लोथ्स होने चाहिए इसके बाद आते हैं हमारे वेयरिंग शूज शूज कैसे होने चाहिए पॉलिश्ड होने चाहिए आपके साइज़ के होने चाहिए इजी होने चाहिए और प्रेजेंटेबल होने चाहिए फिर आ जाते हैं हम ब्रशिंग टीथ कौन सा बच्चा है जो दिन में दो बार अपने टीथ को ब्रश करता है जो ब्रश नहीं करता दांत जल्दी ख़राब हो जाते हैं छोटी छोटी उम्र में आपके फिर आर्टिफिशियल दांत लग जाते हैं और जो अल्लाह मियाँ ने आपको चीज़ दी है ना जो ओरिजिनल चीज़ होती है उसकी बात ही और होती है वो नियमत है अल्लाह की तो फिर अल्लाह ने जो नमते दी हैं उसका ख्याल रखना तो जरूरी है ना yeah. तो सब बच्चे जो है दिन में दो बार जो है ब्रश जरूर किया करें कुछ लोग तो एक्सट्रीम हो जाते हैं वो कहते नहीं जब जब मीठा खाया है दांत को ब्रश करें मैं कहती हूँ दांत को इतना भी अजियत ना दे अब आप हर वक्त ब्रश ही करते रहेंगे आप इतना भी ब्रश नहीं कर सकते हाँ तो और क्या अच्छा ट्रिमिंग लॉन्ग नेल्स आपने अभी बात की थी हमारे जो असेंबली है वहाँ पे जो बच्चा सबसे ज़्यादा नीट एंड क्लीन होता है उसको जो है मोनिटर बना दिया जाता है समटाइम्स कहा जाता है चलो चल के सब बच्चों के नेल्स चेक करो आपको पता है कि नेल्स चेक करना सिर्फ वो विजुअल अपेरेंस के लिए नहीं होता वो हाइजीन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नाखून बड़े हो जाते हैं जहाँ जहाँ पर आपका हाथ लगता है वहाँ पर आपके ज़रा सीम अंदर जाते हैं कितनी गंदी वहाँ पे आपकी वो जो आ जाती है तो आपने उसको क्लीन रखना है तो बेहतर ये होता है कि लंबे-लंबे नाखून रखे ही ना आप नाखून ही अपने कट और बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन रखें बहुत अच्छी बात है मैं भी अभी तक अपने सारे नाखून काट के रखती हूँ मैं भी अपने नाखून बड़े तो नहीं रखती क्योंकि मैं और जिन लोगों ने बड़े रखे होते ना मुझे उनको देख के मैं इतनी इरेटेट होती हूँ कि ये लोग कैसे रख लेते हैं ओके माउथ एंड नोज कफिंग एज आई टोल्ड यू कि अगर आपको खांसी आ रही है या आपको आ रही है तो आपने अपने मुंह के पर हाथ रखना है That's like a good boy. तो उससे क्या होगा Not spitting in public places. आपने कभी ऐसे लोग देखे हैं जो जगह जगह पे थूक रहे होते हैं उनको बहुत गुना मिलता होगा और ये देखो कि अगर वो थूक फेंक रहे हैं तो इसका मतलब जरासीम फैला रहे हैं और इस इससे अल्लाह मियाँ क़यामत के दिन आपसे सवाल भी करेंगे कि आपने अपनी जमीन को कैसे इस्तेमाल किया आपको पता है जब आप तेज से फ़र्श पे पाओ मार के चलते हैं ना उससे भी वो हर्ट होती है हमें बचपन में, में ऐसे सुनाया जाता था हमारे बड़े हमें कहते थे ऐसे ज़ोर जोर से पाओ मार के नहीं, नहीं चलते जब वो जोर जोर के पाँव मार के चलता है तो दैट शोज कि उसके अंदर तकबुर बहुत है और अल्लाह मिया को सबसे नापसंद जो चीज़ है वो तकबर है ये देखिए अपनी जो चीजें होती है ना जो जैसे आप अपना चमच खा रहे हैं और आप किसी को दे देते हैं कि तुम इसी तो से खा लो हाँ ये बहुत बैड मैनर्स है पता है इससे ये हाइजीन आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती आपको उतना ही खाना अपने बर्तन में डालना चाहिए जितना आपने खाना है आप अपनी प्लेट में उतना तो ही खाना डालें आप लोग जाते हैं किसी इवेंट पे या किसी के घर तो खाना वेस्ट करते हैं खाना वेस्ट करना बहुत बुरी आदत है इससे पता क्या शो होता है कि आपके अंदर लालच है मैं ज़्यादा खा लूँ लेकिन आपको तो पता है कि आपकी बैली तो इतनी है ही नहीं वैसे भी देखो खाना पूरा पेट भर के तो नहीं खाना चाहिए ना खाना हमेशा अपनी भूख से आधा खाना चाहिए सो अगर आप इतना डाल लेंगे और आपसे खाया नहीं जाएगा बेशक तो उस वक्त आप पता है उन लोगों के बारे में सोचें जिनको खाना नहीं मिलता आप इतना वेस्ट कर देंगे या वो कूड़े में चला जाएगा क्या पता कि उस होटल का उस जगह का कोई और बंदा वो खाना खा ले कोई काम करने वाला उसको खाना मिल जाए क्योंकि खाना ज़्यादा बच गया है तो हमेशा खाना उतना डालें या चाय पानी जो भी आपने पीना है वो अपने कप में उतना डालें जितना आपने खाना है पीना है अच्छा सेल्फ इंस्पेक्टेड मिरर क्या चीज़ है जब भी कोई बच्चा अपने घर से कहीं निकलने लगता है तो वो क्या करेगा सबसे पहले Exactly. बिफोर पीपल जज यू जज yourself. क्या समझ में आई इससे पहले के लोग आपको जज करें आप अपने आप को जज करें आप अपने घर से निकलने से पहले शीशे के सामने खड़े और देखें शुरू से देखना शुरू करें मेरे बाल ठीक लग रहे हैं जिस ओकेजन पे जा रहा हूं मैं उसके मुताबिक बने हुए क्या मेरा मुंह धुला हुआ है साफ सुथरा है अगर मेकअप किया हुआ तो क्या वो सटल और डिसेंट है मैं कोई कार्टून तो नहीं लग रहा मैंने कोई गलत चीज़ तो नहीं अप्लाई की हुई मेरे कपड़े क्या अकॉर्डिंग टू द ओकेजन हैं मेरी पर्सनालिटी इन कपड़ों में अच्छी लग रही है उसके बाद देखें अपने किसी लॉन्ग मिरर में सामने खड़ो के, के मैंने जो शूज़ पहने हुए हैं क्या वो मेरी ड्रेस के साथ ठीक है अगर आपके पास सेल्फ इंस्पेक्ट मिरर नहीं है तो फिर मामा तो है ना घर में आपा भी होगी भाई भी होगा उससे पूछने जाके हाँ सबकी मामाज ऐसी होती हैं सबकी मामाज जो हैं वो आपके लिए सेल्फ इंस्पेक्टिव मिरर होती हैं वो कहती है इधर दिखाओ कैसे जा रही हो तो फिर आपको जाकर उनको दिखाना होता है कि देखे मैंने ये कपड़े पहने तो फिर वो कहेंगी हाँ ठीक लग रहा है अगर ठीक नहीं लग रहा होगा तो कहेंगी बाल बंद कर लो या वो कहेंगी ये एयर उतार तो बहुत हैवी लग रहे हैं या वो कहेंगी ये क्या किया है? बात सही नहीं किए दोबारा से काम करो और कुछ नहीं करेंगी तो खुद ब्रश लेके भागेंगी ठहरू में तुम्हारा ब्रश कर दू <laughs> तो क्या है कि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे हमारा लाउड मेकअप तो अलाउ ही नहीं है बच्चियाँ तो मेकअप करती ही नहीं है जो बच्चिया मेकअप करती हैं ना वो वक्त से पहले फिर मे हो जाती हैं उनका फिर चेहरा इतना बड़ा बड़ा लगना शुरू होता है तो मेकअप नहीं जान नहीं प्रेजेंटेबल होना चाहिए आप बहुत अच्छी वो लिप बाम्स आती हैं बड़ी अच्छी अच्छी प्यारे प्यारे इच्छी कलर्स की हाँ अच्छा जी देखो यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गई किसी बच्चे ने मेरे से किसी चीज़ के बारे में कुछ सवाल करना है ना मुझसे पूछ लें देखो मैंने अपनी जो प्रेजेंटेशन है बड़ी प्रिसाइज रखी थी सिर्फ इसलिए कि मेरे बच्चे बोर ना हो जाएं